हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग के लेके आया हूँ ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस का रिव्यू, और साथ ही में इस बाइक के ऊपर जो कुछ ऑफर वगैरह चल रहे हैं वो जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस बाइक की चाबी से। चाबी जो आपको कुछ इस टाइप की यहाँ देखने को मिल जाती है, मैं आपको दिखा दूँ। और भाई, सामने से जो आपकी बाइक का लुक है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। ये न्यू मॉडल है, फुल एसेसरी पैक के साथ में है। बिल्कुल आप इसको जो है इस बाइक का टॉप मॉडल कह सकते हो। इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको सामने में यहाँ पे जो है DRL देखने को मिलता है, और इसकी जो हेडलाइट है वो हैलोजन बेस्ड है यहाँ पे जो इसकी आती है, और इसके जो इंडिकेटर फ्रेंड्स वो भी हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर रहने वाले हैं। और मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके फ्रंट के बारे में, तो फ्रंट में जो आपको इसमें 8018 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और फ्रंट मड गार्ड के ऊपर जो है वो आपको यहाँ रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। और साथ ही में आपको बताता चलूँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर जो है वो आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आपको जो है ऑन रोड परफॉर्मेंस ऑन रोड देखने को मिलता है, खासकर बारिश के मौसम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी बाइक को जो है ये वो स्किट होने से बचाता है। और अब मैं बात करना चाहूँगा इसके साइड लुक के बारे में। तो साइड से आप देख सकते हैं बाइक का लुक इस टाइप से है, और रियर में भी इसके जो है वो हैलोजन बेस आपको टेल लाइट देखने को मिलती है, और हैलोजन बेस आपको रियर में इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, रियर का भी टायर साइज इसका सेम है, 8018 का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इस बाइक के अंदर जो है वो आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस बाइक के इंजन के बारे में, जिस चीज़ के लिए बाइक फेमस है, तो मैं आपको बताता चलूँ, इस बाइक के अंदर जो है वो 100 cc का इंजन देखने को मिलता है, 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी मैक्स पावर जो है वो आपको 8.2 PS की देखने को मिलती है, और मैक्स टॉर्क जो है वो आपको 8.5 Nm का यहाँ देखने को मिल जाता है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, इस बाइक के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं फुल एसेसरी के साथ है, तो आपको जो है यहाँ हेलमेट लॉक देखने को मिलता है, और ये आपका साड़ी गार्ड हो गया, और इसके जो फुट रेस्ट है वो यहाँ आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। और इस बाइक के अंदर आपको जो है वो 4-speed का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, इस बाइक के अंदर जो है वो आपको ETFI सिस्टम देखने को मिलता है, हीरो का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, और साथ ही मैं बताता चलूँ। और अब मैं आप बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स इस बाइक के डैशबोर्ड के बारे में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ आपको जो है वो हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिलता है, यहाँ आपको इंडिकेटर का, नीचे आपको ऑन का स्विच देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपको i3S का सिस्टम जो हीरो की बाइक्स में आता है, यहाँ आपको i3S का जो बटन देखने को मिलेगा, ये आपका स्टार्टर स्विच हो गया। और इस बाइक के अंदर जो है वो 10 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। और साथ ही बताता चलूँ कि ये जो है न्यू मॉडल है, जो कि E20 पेट्रोल से चलने के लिए बाइक कैपेबल है, और इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस टाइप से है। आपको इस बाइक में फुल्ली डिजिटल जो है वो डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, साथ ही में जो आपको यहाँ एक USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इसकी मदद से जो आप अपने स्मार्टफोन को जो है चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस बाइक का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि ऑन होने के बाद कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। इस मीटर के अंदर जो आपको यह स्पीड बताएगा, ये आपका लो फ्यूल की वार्निंग, न्यूट्रल लाइट, ये आपका इंजन मेल फंक्शन, और साथ ही में जो है वो आपको यहाँ अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ आपको ओडोमीटर मिलता है, ये आपका स्पीड, ये आपका लो फ्यूल का इंडिकेटर हो गया, और नीचे जो आपको रियल टाइम एवरेज दिखाएगा। साथ ही में आपको इस मीटर के अंदर यहाँ एक मोड का स्विच भी देखने को मिलता है, इसको प्रेस करने पर जो है वो आप ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर।
दोस्तों इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको जो दो ट्रिप मीटर एक ओडोमीटर देखने को मिलता है, और साथ ही में आपको ये बाइक जो है रियल फ्यूल एफिशिएंसी भी बताएगी। और एक बार जो मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है, और इस बाइक के अंदर आपको जो है वो कॉल का, मैसेज का, और साथ ही में बैटरी का, और आपका जो है उसका हेलमेट का जो है साइन यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो बाइक है वो कुछ इस टाइप से यहाँ रहने वाली है। ये ऑल न्यू मॉडल है हीरो की स्प्लेंडर प्लस का। साइड लुक भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको जो है फ्रेंड्स वो सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ जो है वो किक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एक बार जो है मैं आपको फ्रंट से जो है इस बाइक का लुक चेक करा दूं। DRL जब ही ऑन होगी जब स्टार्ट होगी। हाँ, और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, इस बाइक के अंदर जो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी देखने को मिलता है, और मेन स्टैंड तो आपका आता ही है। तो सर एक बार जो हम यहाँ डेमो करके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का जैसे साइड स्टैंड डाउन हो जाएगा, और वैसे ही जो आप यहाँ चेक कर पाओगे कि मीटर में लाइट भी आ जाएगी, और सेल्फ तो ले रही है बाइक, इंजन भी स्टार्ट है, लेकिन अगर आप गियर डाल के आगे बढ़ोगे तो बाइक वो आपकी बंद हो जाएगी कुछ इस टाइप से। आप देख सकते हैं सर ने जो डेमो करके दिखाया। सर मैं एक क्वेश्चन है, इस बाइक का भी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है? सर इसका ऑन रोड जो प्राइस है स्पेंडर एक्सटेक्स जो फुली डिजिटल मीटर है 93,334 है ऑन रोड। इसमें इंश्योरेंस, रोड टैक्स, RC नंबर प्लेट, हेलमेट, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं। सर क्या कोई एक्सचेंज ऑफर वगैरह भी चल रहा है इसके ऊपर? इस पर जो भी आपको बेस्ट एक्सचेंज ऑफर दे देंगे हम। इस टाइम हमने स्कीम भी बना रखी है, जैसे कि आप नॉर्मली हम 15 महीने में 5 सर्विस देते हैं कस्टमर को, अभी जैसे आप गाड़ी लेते हैं वहाँ से तो आपको 2 सर्विस एक्स्ट्रा और फ्री दी जाएगी। जो भी एक्सचेंज होगा उसमें आपको 2,000 और प्लस करके देंगे हम इसमें। ठीक है। और सर अगर किसी को भी ये बाइक को परचेज करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? सर शर्मा ऑटो नांगलो, ये अपना मेन रोहतक रोड पे। और दोस्तों इस शोरूम का जो एड्रेस है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हीरो की कोई भी बाइक परचेज करनी है तो आप शर्मा ऑटो में बाइक जा सकते हैं, और इस बाइक के आप यहाँ जो है कुछ कलर्स चेक कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट है यहाँ पे ये जो है नए ग्राफिक्स के साथ आपको देखने को मिलता है। सेम ऐसे ये गोल्डन फिनिश में है जी। ओके, तो इस टाइप से रहने वाला है। दोस्तों एक लुक जो मैं इस बाइक की वो जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जब ये बाइक स्टार्ट हो जाती है तो सामने से किस टाइप की आपको यहाँ लुक देखने को मिलती है। जस्ट स्टार्ट करना एक बार गियर में। तो दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हो DRL के साथ जो है इस बाइक की लुक वो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। अब बाइक स्टार्ट है तो मैं आपको जो एक बार इंजन की आवाज़ भी चेक करा देता हूँ। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताता चलूं, अगर आप ये बाइक परचेज करोगे तो इस बाइक के ऊपर जो आपको स्टैंडर्ड वारंटी वो 5 ईयर और 70,000 किलोमीटर की देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो आप इसे जो है लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो इंटरेस्टेड है इस टाइप का कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।